सभी भारतवासियों को नमस्कार। ये आज मेरा दूसरा दिन का खात्मा है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड डे ऑफ आवर क्लाइमेट फास्ट। पांचवा दिन है आज मेरा, 21वां दिन का। लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो ना, उसको बोलो कोई बात नहीं चाचू, सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ये शब्द आपको याद है जो फेमस हुआ था राजकुमार हिरानी की सुपर हिट फिल्म थ्री इडियट्स की। उस फिल्म में आमिर खान का एक कैरेक्टर था फुनसुख वांगड़ू, और ये कैरेक्टर है क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का। सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से भूख हड़ताल पर है क्योंकि उनकी सरकार से कई मांगे हैं, और ये मांगे क्या है हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। मैं हूँ लता शर्मा आपके साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले न्यूज प्लस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो कब से शुरू हुआ है सोनम वांगचुक का ये प्रोटेस्ट? सोनम वांगचुक का ये प्रोटेस्ट 6 मार्च को शुरू हुआ, जो कि सी लेवल से 3,500 मीटर की ऊंचाई पर माइनस डिग्री के तापमान में, जहां पे सैकड़ों लोग उनके साथ हैं इस प्रोटेस्ट में। सोनम वांगचुक ने बताया है कि वो केवल पानी और नमक का सेवन कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मुहिम को क्लाइमेट फास्ट का नाम दिया है। सोनम वांगचुक के समर्थन में भारी संख्या में लोग भी उपवास कर रहे हैं। वांगचुक अपनी भूख हड़ताल के दौरान रोजाना सोशल मीडिया पर अपडेट भी दे रहे हैं। जैसे कि 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिस वजह से सोनम वांगचुक का कहना है कि जब से ये दिल्ली के अंदर आया है तब से कई सारे इंडस्ट्रीज आके लद्दाख में सेटल हुई है और वो पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं। वहीं वहां के जो लोकल लोग हैं उनकी कई सारी डिमांड्स हैं वो भी नहीं पूरी की जा रही है। तो क्या है उनकी मांग? आपको बता दें सोनम वांगचुक का ये पहली बार प्रोटेस्ट नहीं है, उन्होंने कई बार ऐसे प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन इस प्रोटेस्ट में ऐसा खास क्या है कि देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। पहली मांग, लद्दाख को विशेष दर्जा और राज्य का दर्जा देने की मांग की है। कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल करने की मांग की है। लद्दाख में फ्रेजाइल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने की मांग की है। लद्दाख और कारगिल के लिए अलग संसदीय सीटों की मांग की है। लद्दाख के लिए अलग पब्लिक सर्विसेज कमीशन की मांग की है। तो क्या है शेड्यूल 6? शेड्यूल 6 आर्टिकल 244 के अंडर जो ट्राइबल लोकल लोग हैं उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स मिलती हैं, लेकिन आपको बता दें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में ये शेड्यूल 6 ऑलरेडी लागू है, लेकिन लद्दाख में नहीं है। इस बीच क्या है एनवायरमेंट से रिलेटेड इनकी मांग? कई रिपोर्ट्स के मुताबिक लद्दाख में पिछले कई सालों से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जैसे कि जियोथर्मल पावर प्लांट बन रहा है पुगा वैली में, जिसे ONGC सेटअप कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन यूनिट बनाया जा रहा है। सोलर पावर जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम जो कि ट्रांसमिट होगा लद्दाख से हरियाणा तक, वो बनाया जा रहा है। 7 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स रिवर इंडस पे बनाए जा रहे हैं। एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां के लोकल लोग जो है उनका ये कहना है कि उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं लद्दाख में, जैसे कि बोराक्स, गोल्ड, ग्रेनाइट, ये सब खत्म होते जा रहे हैं। सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल का 21वां दिन था। इस 21वें दिन में भी 3,000 से ज्यादा लोग उनके साथ शामिल हुए हैं इस अनशन में। झूले नमस्कार और सलाम। आज मेरा 21वां दिन का अनशन खत्म हो रहा है और आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आज मेरे पहले चरण का अंत है, मगर ये अनशन अभी खत्म नहीं होगा। मेरे बाद महिलाएं कल से 10 दिन का अनशन रख रहे हैं और सैकड़ों महिलाएं यहां पर होंगी। फिर उसके बाद युवा अपना अनशन रखेंगे और उसके बाद भिक्षु, जो बुद्धिस्ट भिक्षु है, वो रखेंगे। उसके बाद बड़े बूढ़े रखेंगे, फिर दोबारा से महिलाएं, और शायद उस समय तक मैं फिर वापस आऊं फिर अनशन रखने के लिए। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। वही बात रही सरकार की, तो सोनम वांगचुक का ये कहना है कि सरकार से एक भी अधिकारी ने उनसे संपर्क अभी तक नहीं किया है, इसीलिए वो ये भूख हड़ताल जारी रखेंगे।